सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक और एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th रिजल्ट 2018 कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मतलब महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जो बेहद आवश्यक है जानना, उन्हें लेकर के आए हैं और जो सवाल आपने हमसे पूछे उनके जवाब भी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने इस वीडियो में कुछ सवालों के आपके जवाब देंगे। जैसे कि सबसे पहला सवाल, किस समय पे आ रहा है रिजल्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 29 अप्रैल को आ रहा है, लेकिन आपको समय नहीं मालूम है, इसलिए आपको समय भी बताएंगे। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी हुए हैं पास। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी, इस सवाल का भी जवाब हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह से आप बिना परेशानी के अपने रिजल्ट को चेक कर सकेंगे पहली ही बार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एकदम अंतिम तक बने रहिएगा और एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी सवालों के जवाब मिल सकें और आपके मन का सभी कंफ्यूजन और डाउट क्लियर हो सके। और दोस्तों, अपने आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018 आ रहा है सबसे पहले सरकारीexam.com पे। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैंने आपको बताया था कि आप यूपी बोर्ड रिजल्ट की अपडेट लगातार अपने व्हाट्सएप पर पाते रहने के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक दी गई है कि किस तरह से आप बिना परेशानी के अपना रिजल्ट चेक करेंगे और उसी के साथ ही आपको अपने यूपी बोर्ड रिजल्ट की अलर्ट व्हाट्सएप पर लगातार कैसे पाएंगे, इसका भी आपको लिंक नीचे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पर रजिस्टर करके अपने यूपी बोर्ड रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अपने आज के टॉपिक को बताने के लिए हम आपको सबसे पहले लेकर के आए हैं livehindustan.com के एडिशन में, जहां पे हम आपको अपने 3 सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 26 अप्रैल की ये खबर है 2:38 की। यहां पे दोस्तों, अगर हेडिंग देखें तो यहां लिखा हुआ है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018 29 अप्रैल को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे अलग अलग समय होंगे जारी। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो 10th के हों या 12th के, तो अपने समय को जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि आप अपने रिजल्ट को किस तरह से बिना परेशानी के पहली बार में एकदम आसानी से चेक कर सकेंगे। दोस्तों, जब हम इस खबर में नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड यूपी बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2018, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी होगा, लेकिन दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम अलग अलग समय पर जारी होंगे। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 12:30 जारी होगा, जबकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट 1 घंटे बाद दोपहर 1:30 जारी होगा। पहले ऐसी खबरें थी कि रिजल्ट एक ही दिन एक साथ जारी होगा, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट upresults.in.in पर यह सूचना दी गई है कि दोनों कक्षाओं के नतीजों में 1 घंटे का अंतर होगा। यूपी बोर्ड 12वीं के नतीजे 10वीं से 1 घंटे पहले आएंगे। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट दोपहर 12:30 घोषित होगा, जबकि यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 1:30 आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि पहले ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूपी बोर्ड की जो कक्षा 12 और कक्षा 10 का रिजल्ट एक समय पे आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले रिजल्ट आएगा कक्षा 12 का, यानी कि 12:30 रिजल्ट आएगा और आपका रिजल्ट जो क्लास 10th का आना है, यूपी बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आपका आएगा दोपहर 1:30। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इस रिजल्ट को आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं सरकारीexam.com पे। तो दोस्तों, यहाँ तो बात हो गई आपके पहले सवाल की कि किस समय पर रिजल्ट आ रहा है, और अब दूसरा सवाल हमारा, कितने छात्र हुए हैं पास। दोस्तों, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब देखने के लिए हम आपको यहाँ पे नीचे लेकर के आते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस तरह तो बताना काफी मुश्किल है कि कितने छात्र पास हुए हैं, लेकिन दोस्तों आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इस बार जो आपके परीक्षा के परिणाम आएंगे, प्रतिशत आएंगे, मतलब पासिंग परसेंटेज जो आएंगे, वो पिछले साल के मुकाबले कम होंगे, क्योंकि कई छात्रों ने अपनी परीक्षा यहाँ पे छोड़ दी थी, जिस कारण से उनका रिजल्ट नहीं आएगा और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कम होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी डिटेल लिखी हुई है। जैसा कि हम यहाँ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ 55 लाख विद्यार्थियों का आएगा रिजल्ट, मतलब 55 लाख विद्यार्थी हैं इससे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हैं जिनका रिजल्ट आना है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन होंगी टॉपरों की कॉपियाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परीक्षा रिजल्ट के, परीक्षा परिणाम के घोषित होने के कुछ ही दिन बाद आपकी यहाँ पे कॉपियाँ भी
अपलोड कर दी जाएंगी वेबसाइट पे, जिसे कि आप चेक कर सकते हैं कि किस टॉपर्स किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखा उन्होंने लिखा था और उन्हें इस तरीके के अच्छे नंबर प्राप्त हुए। 5% कम होने की संभावना दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी कि अब की 5% कम होने की संभावना है। और अब दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, किस तरह से बिना किसी परेशानी के आप अपना रिजल्ट पहली बार में ही चेक कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि 2016 और 2017 में पिछले 2 सालों से यूपी बोर्ड का रिजल्ट सबसे पहले अगर छात्रों ने देखा है तो सरकारी exam.com से देखा है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्वर बिजी होने के कारण, सर्वर इशू होने के कारण यहां पे कई साइटें विफल हो जाती हैं रिजल्ट को शो करने में। वहीं सरकारी exam.com ने 2016 और 2017 में छात्रों तक सबसे पहले रिजल्ट पहुंचाया था और छात्रों ने सरकारी exam.com पर विजिट करके अपना रिजल्ट पहली ही बार में चेक कर लिया था। तो दोस्तों आप भी अपना 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करें सरकारी exam.com से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट अपने व्हाट्सएप पर भी पा सकते हैं, इसकी अलर्ट कि आपका रिजल्ट किस टाइम पे आ रहा है। तो दोस्तों अपने रिजल्ट की अलर्ट व्हाट्सएप पर पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक को फॉलो करके इस लिंक को क्लिक करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप पर लगातार यूपी बोर्ड रिजल्ट की अपडेट पा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट लगातार मिल सके। और दोस्तों सरकारी exam.com टीम की तरफ से आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।